राम की सो मोदी जी भरोसो है आपको, आपने विपक्ष के सदियों पुराने पिंजरों को तोड़कर हमारे सपनों को उड़ान दी है, और इसी भरोसे के साथ मैं अपने अनवरत कर्मशील प्रधानमंत्री जी से आग्रह करती हूं कि आप आए और हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को राधे श्याम, देखो देखो कौन आया। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। सारे बुजुर्गों ने, भाई बहना ने और नौजवान मेरी औरतें, राम राम जी। राजा नाहर सिंह और राजा जयत सिंह नागर जी की इस वीर धरा को प्रणाम करता हूं। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं, दूर दूर तक जहां भी मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं। उत्साह और उमंग से भरा हुआ ये दृश्य चुनाव के नतीजों का एहसास दिला रहा है। आपके आशीर्वाद के लिए, आपके सहयोग के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। साथियों, हरियाणा में तो चुनाव अभियान चल रहा है, लेकिन आज जम्मू कश्मीर में अंतिम चरण का मतदान हो रहा है। वहां बहुत भारी संख्या में लोग लोकतंत्र के पर्व में हिस्सा ले रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं से कहूंगा कि वे अपना वोट जरूर डालें। साथियों, मैं यहां नजर कर रहा हूं, काफी परिचित चेहरे नजर आ रहे हैं। साथियों, मैंने एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में लंबे समय तक हरियाणा की जमीनी राजनीति को देखा है। बीते दिनों हरियाणा के अलग अलग क्षेत्र में मुझे चुनाव अभियान के लिए, जनता जनार्दन के दर्शन के लिए जाने का अवसर मिला है। आज इस चुनाव की ये मेरी अंतिम सभा है, और आपने भी मेरी इस चुनाव की आखिरी सभा को चार चांद लगा दिए हैं। आज गांव गांव में, चारों तरफ भाजपा की लहर है। हर जगह एक ही आवाज गूंज रही है, भरोसा दिल से, भाजपा फिर से। भरोसा दिल से, भरोसा दिल से,
भरोसा दिल से। हरियाणा का तो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, केंद्र सरकार में दिल्ली में जिसकी सरकार रहती है हरियाणा वहीं रहता है। आपने दिल्ली में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अब यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाना आप लोगों ने तय कर लिया है। साथियों, हरियाणा की इस धरती ने हमें गीता का संदेश दिया है। हरियाणा ने हमें सिखाया है, काम करो, मेहनत से काम करो। लेकिन कांग्रेस का फॉर्मूला है न काम करो और न दूसरों को काम करने दो। कांग्रेस की राजनीति केवल झूठे वादों तक सीमित रहती है, जबकि भाजपा की राजनीति मेहनत करना और परिणाम ला करके दिखाना। हम मेहनत पे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम परिणाम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। और कांग्रेस कभी भी खुद मेहनत नहीं करती। कांग्रेस को लगता था कि 10 साल हो गए हरियाणा वाले उन्हें थाली में परोस कर सत्ता दे देंगे। यही गलतफहमी कांग्रेस को मध्य प्रदेश में भी थी। वहां भी कांग्रेस के लोग पहले ही जीत का जश्न मनाने लग गए थे, लेकिन वोटिंग के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए, आईना दिखा दिया। यहां आपके पड़ोस में राजस्थान है, वहां भी कांग्रेस ने किसानों और नौजवानों को भाजपा के विरुद्ध भड़काने की भारी कोशिश की थी, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस धड़ाम हो गई धड़ाम। अब यहां हरियाणा में भी यही होने जा रहा है धड़ाम। हरियाणा के लोग कांग्रेस के हो यहां सरकार से सैकड़ों मील दूर रखने वाले हैं। साथियों, यहां हरियाणा में कांग्रेस के भीतर जो कलह मची है, हरियाणा के लोग इसे भी देख रहे हैं। कांग्रेस से सबसे अधिक नाराजगी तो दलित, पिछड़े और वंचित समाज की है। दलित समाज ने भी ठान लिया है बापू बेटे की राजनीति को चमकाने का, अब दलित मोहरा नहीं बनेंगे। वो देख रहा है कि कैसे भाजपा सबको अवसर दे रही है। हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी बड़ी विनम्रता के साथ सबको साथ लेकर चल रहे हैं। साथियों,
कांग्रेस ने 60 साल 70 साल तक देश पर राज किया, इतना मौका मिलने पर भी कांग्रेस ने देश के लोगों को तरसा कर रखा। सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, पक्के घर, एक बहुत बड़ी आबादी मूल सुविधाओं से वंचित थी। कांग्रेस के भ्रष्टाचार का हाल यह था कि एक रुपया अगर दिल्ली से निकलता था तो गरीब के घर तक जाते जाते 15 पैसा हो जाता था। देश पूछ रहा है ये वो कौन सा पंजा था जो एक रुपये को घिस घिस करके 15 पैसा बना देता था। गरीबों के हक को लूटने वाले गरीबी हटाने का नारा देते थे। कांग्रेस ने देश के लिए जरूरी हर विषय को उलझाए रखा, वो उलझाने में एक्सपर्ट रहे हैं। कांग्रेस ने अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनने दिया, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान पूरी तरह से लागू नहीं होने दिया, उसने हमारी बहनों को संसद और विधानसभा में आरक्षण से वंचित रखा, उसने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की समस्या में उलझाए रखा। यानी कांग्रेस ने देश की, देशवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया, बल्कि अपने बेटे बेटी अपना परिवार उसको स्थापित करने में ही पूरी की पूरी शक्ति लगा दी। साथियों, आज मैं पूरे देश के सामने, पूरे हरियाणा के सामने एक सवाल रख रहा हूं, आखिर ऐसा क्या है कि कांग्रेस इतना कुछ गलत कर रहे हैं, इतने सारे पाप कर चुके हैं, फिर भी सरकार बनाने के सपने देखते हैं? मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार कांग्रेस को ये सपने देखने की हिम्मत कहां से आती है। दरअसल कांग्रेस को लगता है कि भाजपा के समर्थकों ये सारे देशभक्ति से भरे हुए लोग हैं, ये देशभक्ति से भरे हुए लोगों का उनको भ्रमित करना, उनको तोड़ना, उसका कुछ रास्ता उनके दिमाग में चलता रहता है। बंद कमरों में कांग्रेस के नेता आप लोगों के लिए यही कहते हैं, कभी जात पात के नाम पर कहीं एक समाज को दूसरे से लड़ाकर कांग्रेस इस देश से देशभक्ति को ही चूर चूर करना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि देश के लोगों में एकता की भावना जितनी मजबूत होगी, कांग्रेस का जीतना उतना ही मुश्किल होने आ जाता है। और इसलिए कांग्रेस देशभक्तों की
की एकता तोड़ने के लिए नए नए प्रयोग कर रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान उसने यही झूठ के प्रयोग किए थे, महात्मा गांधी सत्य के प्रयोग करते थे, ये झूठ के प्रयोग करते हैं। अब यहां हरियाणा में भी कांग्रेस उसका विस्तार कर रही है। साथियों, कांग्रेस को ये लगता है कि उसका अपना वोट बैंक तो पक्का है। वो सोचती है कि बटेंगे लड़ेंगे वो लोग जो भारत से प्रेम करते हैं। हमें कांग्रेस की सोच और साजिश को कभी भी सफल नहीं होने देना है। इसलिए हमें आज संकल्प लेना है, पूरे हरियाणा को संकल्प लेना है, जो लोग भारत को प्रेम करते हैं वे सब के सब एकजुट रहेंगे। हम एक हैं और हम एक होकर देश के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर बिना खर्ची पर्ची के नौकरी के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर हरियाणा में नए निवेश, नई नौकरियों के लिए वोट करेंगे। हम एकजुट होकर अच्छी सड़कों, बेहतर सिंचाई के लिए वोट करेंगे। साथियों, कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है, वोट के लिए तुष्टिकरण, ज्यादा से ज्यादा तुष्टिकरण। आप देखिए कांग्रेस आज क्या कर रही है। कांग्रेस कहती है और डंके की चोट पर कहती है और कहती है कि वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे। कर्नाटका में इन्होंने यही तो किया है। जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनी, इन्होंने दलितों पिछड़ों का आरक्षण छीन लिया। कांग्रेस ने दलितों पिछड़ों का आरक्षण धर्म के आधार पर अपने वोट बैंक में बांट दिया। यही कांग्रेस है जिसने अनेकों स्कूल कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी संस्थान घोषित कर दिया। जो पहले माइनॉरिटी नहीं थे, अच्छे खासे कानून नियम से चलते थे, लेकिन उन्होंने वोट बैंक के खातिर ऐसे हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी बना दिया। इनमें क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि पहले दलितों और पिछड़ों के बच्चों को जो दाखिला मिलता था वो बंद हो गया। ऐसी संस्थाओं में नौकरियों में जो आरक्षण था वो भी बंद हो गया। कांग्रेस ऐसे ही काम
हरियाणा में भी करना चाहती है। साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दलित विरोधी पार्टी है। इस पार्टी ने दो दो बार डॉक्टर आंबेडकर को चुनाव हरवाया। उनको डर था बाबा साहब डॉक्टर आंबेडकर जी अगर पार्लियामेंट पे आएंगे और उनकी आंखों में आंख मिलाकर सवाल पूछेंगे तो ये जवाब नहीं दे पाएंगे, इतने वो बाबा साहब से डरते थे। इसलिए दो दो बार उनको पार्लियामेंट में न पहुंचे इसलिए भांति भांति के षड्यंत्र किए। इन्होंने संसद के सेंट्रल हॉल की उनकी तस्वीर तक नहीं लगने दी। वो इतने डरते थे बाबा साहब से कि अगर संसद भवन में उनकी तस्वीर लग जाए तो भी ये कांपते थे। दलित हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं कांग्रेस के राज में ही हुई है और अब तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इनके एक नेता जिन्होंने मिर्चपुर कांड के समय भी दलितों के साथ बदनीयत दिखाई थी, उनके ऑफिस में कांग्रेस कार्यकर्ता डंके की चोट पर ताली लेकर के सीना तान करके कह रहे हैं कि एक दिन तो आरक्षण खत्म होगा ही। यानी कांग्रेस ने आरक्षण खत्म करने का प्लान बना लिया है और उनके लिए हरियाणा इसका टेस्ट स्टेट होने वाला है। लेकिन साथियों, जब तक बीजेपी है, जब तक मोदी है, एससी एसटी और ओबीसी समुदाय को संविधान से मिले आरक्षण का हक कोई नहीं छीन सकता। आपने देखा होगा ये लोग दिन रात मुझे गालियां देते हैं, अब हमारे मुख्यमंत्री जी सैनी जी को भी गालियां देते हैं। हमारा और कोई गुना नहीं है, हमारा गुना यही है कि हम ओबीसी अति पिछड़ी मां की कोख से पैदा हुए हैं, इसलिए गालियां दे रहे हैं। साथियों, आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के शिकंजे में है। दुनिया में जो जो भारत को बदनाम करने में जुटे हैं, जो हमारे दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, कांग्रेस के नेता उनको खुलेआम गले से लगाते हैं। ये अर्बन नक्सली गठजोड़ भारत को कभी भी मजबूत होते नहीं देख सकता। इसलिए ये लोग हमारी सेना पर भी हमला करते हैं। आप देखिए, हमारी सेना ने दुश्मनों को बार बार पीटा, लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार दुश्मनों की तारीफ करता है। साथियों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट देख रहा था, वहां कांग्रेस को लेकर कुछ लोगों ने कुछ पोस्टर डाले थे। इनमें लिखा था कि कांग्रेस के लोग जोर जोर से कहते हैं कि 370 वापस लाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने एक बार भी
कभी ये नहीं कहा कि पीओ को वापस लाएंगे, पीओ के वापस लाना उनके मुंह से नहीं निकलता है। कांग्रेस ने देश का मुकुट तोड़ दिया, कश्मीर के भी टुकड़े कर दिए, इतना बड़ा हिस्सा गंवा दिया, ये उस पीओके को वापस लाने की बात नहीं करते, लेकिन ये लोग 370 वापस लाना चाहते हैं। ये बातें आज सोशल मीडिया पर कांग्रेस के लिए लिखी जा रही है। सही में ये देश का दुर्भाग्य है, 370 की वापसी के मुद्दे पर कांग्रेस को कौन उसकी तारीफ कर रहा है? कांग्रेस को पाकिस्तान की सरकार ने भरपूर समर्थन दिया है। अब आप ही बताइए, जो एजेंडा पाकिस्तान को पसंद है वो कट्टर देशभक्त मेरे हरियाणा के लोगों को क्या कभी भी पसंद आ सकता है? क्या कभी भी पसंद आ सकता है? क्या जो कांग्रेस पाकिस्तान को खुश करती है वो हरियाणा को कभी भी खुश रख सकती है? क्या साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बेईमान और धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस के धोखों को गिनाऊंगा तो कई कई दिन निकल जाएंगे। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, कांग्रेस ने देश की रक्षा करने वाले, देश के लिए शहीद होने वाले फौजियों तक धोखा किया। 40 साल तक कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन नहीं दिया, सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर कांग्रेस कहती थी ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन 500 करोड़। जबकि मैंने रेवाड़ी में वादा किया था आकर के 2013 सितंबर में, और रेवाड़ी की धरती से मैंने कहा था, रेवाड़ी वीरों की धरती है, देश के लिए मर मिटने वालों का ये इलाका है। और तब मैंने कहा था, तब तो मैं चुनाव लड़ रहा था, प्रधानमंत्री नहीं बना था, मैंने कहा था कि मैं वादा करता हूं मैं वन रैंक वन पेंशन लागू करके रहूंगा, और हमने लागू किया। और लागू किया तो फौजी परिवारों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए। अब बताइए, जो जिस काम के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए लगने वाले थे, ये 500 करोड़ दिखा करके कहते थे कि ओआरओपी दे दिया। क्या ये धोखा है कि नहीं है? धोखा है कि नहीं है? ये फरेब है कि नहीं है? ये झूठ है कि नहीं है? यहां हरियाणा में भी हमारे फौजी परिवारों को 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। मोदी के लिए फौज की प्राथमिकता सबसे बड़ी है, फौज का सम्मान सबसे बड़ा है। और कांग्रेस से हम इसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकते।
साथियों, कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। कांग्रेस ने, ये पड़ोस में हिमाचल प्रदेश है, कांग्रेस ने हिमाचल की बहनों और नौजवानों को भी ऐसा धोखा दिया, ऐसा धोखा दिया है, हिमाचल कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस ने, जैसे यहां हरियाणा में कांग्रेस वाले अनाप शनाप बोल रहे हैं ना, ऐसा ही उन्होंने हिमाचल में किया था। कांग्रेस ने वहां चुनाव जीतने के लिए कहा था कि हर महीने बहुत सारे पैसे देंगे। आज 2 साल हो चुके हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला। कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में ही लाखों नौकरियों पर मुहार लगाने का वादा किया था। वहां इन लोगों ने सरकारी कर्मचारियों को बड़े बड़े सपने दिखाए, आज उनको तनख्वाह भी समय पर नहीं मिल रही है। कहां तो कांग्रेस को हिमाचल के लोगों से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस को ठगी की लत लगी है। वो अब कांग्रेस वाले हरियाणा वालों को भी वो ठगी की लत के कारण अब झूठे झूठे वायदे बेच रहे हैं। कांग्रेस यहां हरियाणा के किसानों को तारे तोड़कर लाने की बातें कर रही है, लेकिन आप याद रखिए, जहां उसकी सरकार है, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, वहां इनमें से एक भी वादा लागू नहीं करते हैं। यानी कांग्रेस की नीयत में ही खोट है। साथियों, कांग्रेस हरियाणा के नौजवानों के हितों के खिलाफ है। यहां हरियाणा में भाजपा सरकार ने करीब 1.5 लाख सरकारी नौकरियां दी, और वो भी बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी है। हजारों कर्मचारियों को पक्का किया, लेकिन अब कांग्रेस वाले फिर वही खर्ची पर्ची सिस्टम हरियाणा में वापस लाना चाहते हैं, आप पर थोपना चाहते हैं। सरकार बनने के आसार, वो आशा छोड़ चुके हैं, दूर दूर तक कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन लूट खसूट का बंटवारा अभी से हो गया है। ये है कांग्रेस की सच्चाई। साथियों, कांग्रेस की नस नस में भ्रष्टाचार दौड़ता है। ये दलालों और दामादों की पार्टी बन गई है। कांग्रेस के राज में यहां जमीन की दलाली करने वाले मालामाल हो गए हैं, या तो दामाद जी मालामाल हो गए हैं। ये दो ही लोग फले फूले हैं, जबकि किसान के नसीब में क्या आया? किसान को तो सिर्फ 2 रुपये का मुआवजा मिला। जो लोग 10 साल पहले हुड़ा जी की सरकार थी ना, हर किसान कहता है कि ये तो 2 रुपया मुआवजे वाली बड़ी आफत आई, और किसानों के घर में चेक पहुंचा क्या? 2-2 रुपये का चेक। और उस सरकार की पहचान थी किसानों के घर में, किसानों के दिल में, कि 2 रुपया मुआवजे वाली सरकार है। जबकि भाजपा सरकार हजारों रुपये का सम्मान निधि सीधी उनके बैंक के खाते में पहुंचाती है, प्राकृतिक आपदा होती है तो सही मुआवजा देती है।
साथियों, आज कांग्रेस यहां एमएसपी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां सिर्फ 3-4 फसलों पर एमएसपी देती थी। वो दिन जरा याद करिए, जबकि भाजपा सरकार 24 फसलों की खरीद एमएसपी पर कर रही है। पिछले 8 सीजन में एमएसपी के रूप में यहां के लाखों किसानों को 1,10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक मेरे किसानों के खातों में गए हैं, उनको मिले हैं। आज यहां 20 से ज्यादा फल और सब्जियों के लिए भावांतर दिया जा रहा है। बाजरा और सूरजमुखी के लिए भी 900 करोड़ रुपए से अधिक इसका भावांतर दिया जा गया है। इससे हरियाणा के किसानों की बड़ी मदद हुई है। साथियों, आज मैं हरियाणा की माताओं, हमारी बहनों, हमारी बेटियों में भाजपा के प्रति सबसे अधिक उत्साह देख रहा हूं। यहां भी मैं देख रहा हूं, दूर दूर तक माताएं बहनें बैठी हुई है। हरियाणा की बेटियां आज चारों तरफ झंडे गाड़ रही है। भाजपा सरकार की हर योजना माताओं, बहनों, बेटियों में नया आत्मविश्वास पैदा कर रही है। मैं अखबार में एक बहन का इंटरव्यू पढ़ रहा था। उनको नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग मिली है। वो बहन बताती है कि इस खरीफ सीजन में ही उन्होंने 800 एकड़ खेती पर ड्रोन से दवाई का स्प्रे किया और इससे उनको 3 लाख रुपए की कमाई हुई। एक सीजन में हमारे गांव की किसान की बेटी ड्रोन चला करके दवाइयां स्प्रे करके 3 लाख की कमाई करे, भाइयों बहनों, तब मन को संतोष होता है कि ये सरकार सही दिशा में काम कर रही है। जिन बहनों ने कभी, जिनके नसीब में कभी भी साइकिल या मोटरसाइकिल नहीं चलाने का सौभाग्य नहीं आया था, वो अब ड्रोन पायलट बन रही है। जो बहने कभी सिर्फ परिवार पर आश्रित होने पर, परिवार पर ही आश्रित होकर के मजबूर रहती थी, वो आज लखपति दीदियां बनकर के परिवार का सहारा बन रही है। साथियों, भाजपा सरकार हरियाणा के विकास को, हर क्षेत्र के विकास को नई गति दे रही है। बल्लभगढ़ तक मेट्रो पहुंच चुकी है और अब पलवल भी मेट्रो से कनेक्ट होने वाला है। पलवल देश का हाईवे हब भी बन रहा है। भाजपा सरकार पूरे ब्रज क्षेत्र के विकास पर जोर दे रही है। इसका फायदा यहां के लोगों को मिलेगा। पड़ोस में जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से भी आपको बहुत लाभ होगा। ये एरिया रेल कनेक्टिविटी का भी हब बनता जा रहा है। पलवल, सोनीपत ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर हो या फिर
मालगाड़ियों के लिए स्पेशल कॉरिडोर, यहां के किसानों और उद्योगों के लिए अवसर ही अवसर है। वल्लभगढ़ में कॉलेज और प्रथला में स्किल यूनिवर्सिटी बनने से भी नौजवानों को सुविधा मिली है। नाहरसी क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण भी यहां के युवाओं को बहुत मदद करने वाला है। साथियों, ये चुनाव नया इतिहास बनाने का है। ये चुनाव हरियाणा को विकास की नई बुलंदी देने का है। दिल्ली में आपका ये बेटा बैठा है। आप यहां तीसरी बार भाजपा सरकार बनाइए। मैं आज पलवल की धरती से पूरे हरियाणा के मेरे जागरूक मतदाताओं को, देशभक्त मतदाताओं को आग्रह करता हूं कि आप रिकॉर्ड वोटों से फिर एक बार भाजपा की सरकार बनाइए। हरियाणा के तेज विकास की गारंटी ये मोदी की गारंटी है। फरीदाबाद हो, पलवल हो, मेवात हो, गुड़गांव हो, भाजपा के हर उम्मीदवार को आपको भारी बहुमत से विजयी बनाना है। मैं सभी उम्मीदवारों से आग्रह करता हूं, जरा आगे खड़े हो जाए सभी उम्मीदवार, जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो जरा आगे आ जाए। आप सबके आशीर्वाद मेरे इन सभी साथियों को दीजिए, मुझे आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं फिर एक बार इतनी बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं सर झुका करके आपका नमन करता हूं, आपका अभिवादन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से आवाज दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।